स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे केंद्रीय कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार मिलने वाले ट्रेनिंग अलाउंस की। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए 24 अक्टूबर 2017 को डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है, और इस ऑफिस मेमोरेंडम के अनुसार इन्होंने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले ट्रेनिंग अलाउंस का जो रिवाइज रेट है उसको जारी किया है। तो इसमें इन्होंने दो कैटेगरी में इसको रखा है। एक कैटेगरी इन्होंने रखी है कि जो नेशनल बार और सेंट्रल ट्रेनिंग एकेडमी और इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि ग्रुप ए ऑफिसर्स के लिए होती हैं, उनमें जो ट्रेनिंग अलाउंस है वो दिया जाएगा बेसिक पे का 24%, और बाकी जो दूसरे ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट है उसमें ट्रेनिंग अलाउंस दिया जाएगा 12% बेसिक पे का। तो ये रहा ट्रेनिंग अलाउंस का परसेंट। उसके बाद में जो ट्रेनिंग अलाउंस है वो सिर्फ उन कर्मचारियों को दिया जाएगा कि जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को कुछ टाइम के लिए या एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए ज्वाइन करते हैं और वो वापस जा सकते हैं, उन कर्मचारियों को ट्रेनिंग अलाउंस दिया जाएगा। साथ में ट्रेनिंग अलाउंस उन कर्मचारियों को नहीं दिया जाएगा जो उस ट्रेनिंग संस्थान के द्वारा उनको रिक्रूट किया जाता है, और उनका जो मेन पर्पज होता है कि वहाँ पर उनको ट्रेनिंग अटेंड करवानी होती है, तो उन कर्मचारियों को ट्रेनिंग अलाउंस नहीं दिया जाएगा। और ये जो रिवाइज रेट है वो 1 जुलाई 2017 से एप्लीकेबल रहेगी। ये नया रेट है ट्रेनिंग अलाउंस का सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला, कि अब ग्रुप ए ऑफिसर्स वाले जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पे दिया जाएगा 24% और बाकी में दिया जाएगा 12%। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो सूचना अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिए जिससे उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार फिर से वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।